Hello sir, my name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH. I am BTEC from IIT Dhanbad. I am author of Low Solution. मैं अभी आप लोगों को स्ट्रिंग वेव पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि 11th का टॉपिक है। शुरुआत से पढ़ेंगे, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे और अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा और कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ व्हाट इज वेव। तो वेव इज एनर्जी एंड मोमेंटम विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। एवरेज अंडरलाइन है, रिपीट कर रहा हूँ। वेव इज एनर्जी एंड मोमेंटम विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। ये एक एनर्जी है, एक मोमेंटम है जो कि मेरे पास से चल के आप तक पहुँच रही है, बट मीडियम के पार्टिकल तो वहीं पर हैं। रस्सी लीजिए, स्ट्रिंग वेव, अगर रस्सी को एक एंड पकड़ के जब इसको जर्क देते हैं तो रस्सी के पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट करते हैं और वेव आगे की ओर भाग रहा होता है। तो वेव ऐसे भागता है और रस्सी के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं, तो उनका एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो है और एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो गई। दिस इज वेव। अब बात करेंगे टाइप्स के। टाइप्स में हम लोग बेसिकली दो तरह से इसको दो बेसिस पे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम नेसेसिटी। ओके, तो हम पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसमें ए पार्ट ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? व्हेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल देन वेव इज ट्रांसवर्स वेव। मतलब वेव ऐसे भागे और रस्सी के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करें और वेव ऐसे चले, दिस इज ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, आप एक एंड को पकड़ के ऐसे झांक देते हो तो वेव ऐसे जाती है, वेव ऐसे जाती है, एनर्जी ऐसे जाती है और रस्सी के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं। तो वेव का मोशन और रस्सी के पार्टिकल का मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन दिस इज ट्रांसवर्स वेव। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की। इसमें क्या है, व्हेन मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव देन वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि एनर्जी जो है वो ऐसे ट्रेवल करेगी और मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऑसिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन डेवलप होते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो मीडियम में हर पॉइंट पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन डेवलप हो रहा है। कभी कंप्रेशन, अगली स्टेशन पर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की ओर भाग रहा है, यही एनर्जी है जो कि आगे की ओर भाग रही है और मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, देन वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फॉर एग्जांपल साउंड वेव। अब दूसरा बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम नेसेसिटी। इसमें ए पार्ट है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, व्हाट इज मैकेनिकल वेव? व्हेन मीडियम इज नेसेसरी टू प्रोपगेट अ वेव देन वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव। मतलब विदाउट मीडियम का ये वेव प्रोपिगेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और बगल में अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कि बीच में एयर है। एयर एक मीडियम है, वो मीडियम की ज़रूरत है ताकि साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र हो सके। जैसे मैं मून पे चला जाऊँ और मैं बोलूँ और कोई बगल में हो तो उसको सुनाई नहीं दे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, मीडियम नहीं है। अब मीडियम जरूरी है कि साउंड वेव ट्रेवल करे। तो व्हेन मीडियम इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेवल अ वेव देन वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हेन मीडियम इज नॉट नेसेसरी टू प्रोगेट अ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। व्हेन मीडियम इज नॉट नेसेसरी टू प्रोपेगेट अ वेव देन वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जाम्पल
सन से लाइट रेज हमारे पास आती है, बट बहुत जगह पे वैक्यूम है, वैक्यूम है बट लाइट आ रही है। मून पे देखो वैक्यूम है बट वहाँ पे लाइट तो जा रही है। तो फिर लाइट क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड एंड ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो मैंने आपको बताया कि वेव क्या है, वेव के टाइप्स क्या हैं। ओके, अब मैं कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हेलो सर, तो अभी मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? मीडियम के पार्टिकल को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना समय लगता है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाई मीडियम पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ वेव या टाइम पीरियड ऑफ मीडियम पार्टिकल। जैसे पार्टिकल्स मान लीजिए मीन पोजिशन ही है इस पर, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस एक्सट्रीम, फिर यहाँ पर। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकेंड में कितने बार वो ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है, मैं आप लिख दे रहा हूँ, टी इज इक्वल्स टू वन अपन एफ। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑलरेडी आप SHM में पढ़ चुके हैं। और ये होता है कैपिटल टी इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा इज 2πf, ओमेगा इज 2πf, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे वेव स्पीड की। वेव स्पीड क्या है? वेव स्पीड है कि पर सेकेंड वेव कितना दूरी तय कर, दिस इज नोन एज वेव स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन वन सेकेंड इज नोन एज वेव स्पीड। तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, दिस इज नोन एज वेव स्पीड। तो भी इज dx बाई dt। रेट पर सेकेंड वेव कितना दूरी तय कर रहा है, दिस इज नोन एज वेव स्पीड। अब हम लोग बात करेंगे वेव लेंथ क्या है। वेव लेंथ है कि वेव वन टाइम पीरियड में कितना दूरी तय करता है, दिस इज नोन एज वेव लेंथ। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वेव लेंथ ऑफ वेव। इसे लैम्डा इज स्पीड इनटू टाइम पीरियड। इन वन टाइम पीरियड डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इज नोन एज वेव लेंथ ऑफ वेव। अब इस टी को क्या लिख सकते हैं, वन अपान एफ। अब इससे इस एफ को इधर भेज दीजिए तो भी क्वेश्चन क्या आएगा, एफ लैम्डा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ऑल टाइप ऑफ वेव यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। आप इसको ध्यान रखेंगे, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एंगुलर वेव नंबर, तो एंगुलर वेव नंबर जो है इट इज डिफाइंड एज के इज 2π बाई लैम्डा। मैथमेटिकल डिफिनीशन है के इज 2π बाई लैम्डा। अब बता दो, वेव नंबर इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल वेव लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। मोर जनरल इक्वेशन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको इसको बताया जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। तो के इज 2π बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेव लेंथ, के इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर। सर, अगर मान लीजिए आपको मैं कोई साइनसॉइडल वेव की बात करता हूँ, और इस तरीके से अगर मैं आपको साइनसॉइडल वेव दिखा रहा हूँ, ऐसे अगर ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका और इसका फेस सेम बोलेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज नोन एज वेव लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वन वेव लेंथ कहलाएगी। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी है, इट इज लैम्डा बाई टू। कोई पूछे ये दूरी कितनी है, इट इज अगेन लैम्डा बाई टू। कोई पूछे ये दूरी कितनी है, अगेन लैम्डा बाई टू। कोई पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताइए, ये दूरी कितनी है, तो जब ये लैम्डा बाई टू है तो ये क्या होगा, लैम्डा बाई फोर। तो अगर कहीं भी ऐसा ग्राफ दिया गया वाई वर्सेस एक्स का, क्योंकि एक्स मीटर में आएगा, वेवलेंथ मीटर में आएगा, तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा। अगर यही सपोज करिए वाई वर्सेस टी ग्राफ होता टाइम का, और ग्राफ ऐसा होता साइनसॉइडल ग्राफ, तो फिर इस पर टाइम पीरियड दिखता। ये एक्स है तो इस पर वेवलेंथ दिख रहा है, ये टी है तो इस पर टाइम पीरियड दिखेगा। तो अगर कोई पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज कम्प्लीट टाइम पीरियड टी। यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज कम्प्लीट टाइम पीरियड टी, एंड दिस इज टी बाई टू। अगर कोई पूछे कि ये दूरी बताइए, दिस इज टी बाई फोर।
तो इसको कभी बोलते हैं हम लोग कि क्रेस्ट, दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी टाइम पीरियड कहलाएगी अगर वो ग्राफ टाइम पे है, और टू कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी अगर वो ग्राफ एक्स पे है तो वेवलेंथ कहलाएगी। ओके, तो अगर कोई पूछे कि ये दूरी बताइए तो दिस इज अगेन टी बाई फोर। तो डिपेंड करता है ग्राफ वाई वर्सेज एक्स का है कि ग्राफ वाई वर्सेज स्मॉल टी का है। ओके, तो अगर वाई वर्सेज स्मॉल टी ग्राफ है तो टाइम पीरियड के विषय में बात करेंगे, अगर ग्राफ वाई वर्सेज एक्स का है तो हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ के विषय में। ठीक है, और मैंने आपको डिफाइन किया कुछ टर्म्स की, टाइम पीरियड क्या है, वेव स्पीड क्या है, वेवलेंथ क्या है, एंगुलर वेव नंबर क्या है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।